हेलो एवरीवन, सो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ड्रेनेज ऑफ एशिया। ओके, ड्रेनेज क्या होता है? पहली चीज़ आप लोगों को पता है, ड्रेनेज को हम सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे कि रिवर सिस्टम, ठीक है, या रिवर्स ऑफ एशिया भी कह सकते हैं। ओके, कि हाउ वाटर ऑफ एशिया ड्रेन्स, ठीक है, किस उसका जो पानी है जो एशिया का जो रेनफॉल या किसी और तरीके से जो हमारे पास वाटर है वो ड्रेन के लिए उसका क्या तरीका है या कितने तरीके से वो ड्रेन होता है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है कि एशिया इज़ लाइक अ जाइंट इन्वर्टेड कोन। कि आपको पता है कि जाइंट इन्वर्टेड कोन की तरह जो हमारे पास एशिया दिखता है, अगर हम एशिया की जनरल बात करें तो हमारे पास एशिया का इस तरीके से आपको कुछ दिखेगा, मैप जो है वो इस तरीके से हमें दिख रहा है, जिसको हम कहेंगे कि जाइंट इन्वर्टेड कोन है, कोन का इन्वर्टेड हुआ हुआ हिस्सा है। ठीक है, तो इसमें इसका जो स्लोप है, जो अपेक्स नियर द स्लोप, ठीक है, नियर द ज्योमेट्रिक स्लोप एंड जनरल स्लोप इन ऑल डायरेक्शन, जो सेंटर से है वो मिडल स्पाइक्स ऑफ द व्हील जैसे इस तरीके से हमारे पास ड्रेनेज है वो इस तरीके से फैला हुआ, ठीक है, कि स्पाइक्स बनाई हुई हैं, व्हील की जैसे स्पाइक्स होती हैं वैसे ही रिवर सिस्टम इसका फैला हुआ। और जितने भी रिवर्स हैं ये ग्रेट एलुवियल प्लेन्स बनाते हैं, जैसे आप इंडस की बात करो, गंगा की बात करो, ब्रह्मपुत्र की बात करो, यनिसे की बात करो, लीना हो गया, ओब हो गया, तो जितने भी मेजर हमारे पास रिवर्स हैं वो एलुवियल प्लेन्स की फॉर्मेशन करते हैं। ओके, इसको हम सिक्स सिस्टम के अंदर बांटते हैं ड्रेनेज ऑफ एशिया को, जिसमें सबसे पहले आता है आर्कटिक ओशन ड्रेनेज, पैसिफिक ओशन ड्रेनेज, इंडियन ओशन, अरेबियन सी ड्रेनेज और मेडिटेरेनियन सी ड्रेनेज। आर्कटिक ओशन को हम नॉर्थ फ्लोइंग रिवर कहते हैं, पैसिफिक को ईस्ट फ्लोइंग रिवर कहते हैं, इंडियन ओशन को साउथ एंड साउथ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कहा जाता है, अरेबियन सी को साउथ एंड साउथ वेस्ट फ्लोइंग रिवर कहा जाता है और मेडिटेरेनियन को मेडिटेरेनियन सी ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। ओके, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्कटिक ओशन ड्रेनेज या नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन से हैं और किस पैटर्न में हैं। तो देखिए, इसमें हमारे पास जो मेजर रिवर्स तो यहाँ बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेजर हमारे पास रिवर हैं वो है ओब, यनिसे, लीना और इंदिगिरिका। ठीक है, ये हमारे पास मेजर रिवर्स हैं जो कि आर्कटिक ओशन में ड्रेन होते हैं, या फिर इसको हम कहते हैं नॉर्थ फ्लोइंग रिवर, कि एशिया से नॉर्दर्न साइड पर फ्लो करते हैं। ठीक है, और कोलियामा एक और आगे, कोलियामा ये मेन जो है रिवर हैं जो फ्लो करते हैं आर्कटिक ओशन में। देयर कोर्स आर ऑलमोस्ट ड्यू नॉर्थ फ्रॉम द सोर्सेज विच लाई इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड ऑफ सेंट। अब देखें, जितना भी हमारे पास ये रिवर्स हैं इनका कोर्स जो है वो नॉर्दर्न साइड पर है। मैं भी आपको इसका मैप दिखाता हूँ, देखें यहाँ पर, यहाँ पर जैसे यनिसे रिवर हो गया तो ये भी इस तरीके से फ्लो करता है नॉर्दर्न साइड, ओब है तो ये नॉर्दर्न साइड, लीना रिवर है तो ये नॉर्दर्न साइड, इंदिगिरिका है तो ये नॉर्दर्न साइड, कोलियामा यहाँ पर है तो वो नॉर्दर्न साइड, याना रिवर है ये यहाँ पर इस तरीके से। तो जितने भी ये रिवर्स हैं ये नॉर्दर्न साइड पर फ्लो करते हैं और सेंट्रल हाईलैंड का जो रीजन है हमारे पास यहाँ से ओरिजिनेट होकर उस साइड जाते हैं आपके पास नॉर्दर्न वाली साइड। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या चीज़ है, और ओब, यनिसे और लीना ये वर्ल्ड के 12 लॉन्गेस्ट रिवर्स में ऐसे आते हैं। यनिसे की लेंथ है आपके पास, येलो रिवर है, मेकोंग रिवर है, ये हमारे पास कुछ मेजर रिवर्स हैं जो कि एशिया के। उसके बाद मिडिल कोर्स ऑफ द रिवर्स जो हमारे पास हैं वो रशियन लो लैंड्स में आते हैं, साइबेरिया के, मंगोलिया वाले साइबेरिया का जो रीजन है वहाँ पर आपके पास जो मिडिल कोर्स है रिवर्स का वहाँ से होता है। और जिनका माउथ है वो परमाफ्रॉस्ट रीजन में होता है, यानी परमाफ्रॉस्ट परमानेंटली फ्रोजन रीजन, यहाँ पर ये माउथ है रिवर का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि आपके पास जो परमानेंटली स्नोफॉल से कवर्ड रहते हैं तो परमाफ्रॉस्ट रीजन उन्हीं को कहा जाता है, और ये फ्रोजन होते हैं इनके माउथ। ओके, उसके बाद क्या है, ओब रिवर। सबसे पहले ओब रिवर की अगर हम लेंथ देखें तो 5568 किलोमीटर एवरेज जो उसकी लेंथ बताई जाती है, ड्रेनेज बेसिन 2.972 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के, इतने एरिया को ये ड्रेन करता है ये रिवर, ये ओब। ओरिजिनेट इसका कहाँ है, अल्टाई माउंटेन से ओरिजिनेट है, हमने हिमालयस में पढ़ा जो अल्टाई माउंटेन्स कहाँ पे हैं। उसके बाद इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज वो हैं इर्तिश जो इसको ज्वाइन करती हैं, कहाँ पर, खार्डी मैंस्टिक्स में। ठीक है, खार्डी मैंस्टिक्स में जो इसको ज्वाइन करती है ओब रिवर की ट्रिब्यूटरी। ओके, ये देखें, ये है ओब रिवर, अल्टाई माउंटेन से ओरिजिनेट हुआ, फिर इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो इर्तिश ट्रिब्यूटरी, इर्तिश की, ठीक, ये इसको आके ज्वाइन करती है खार्डिक में। ओके, इसकी भी दो, इर्तिश की भी दो सब ट्रिब्यूटरीज हैं, एक को तोबोल और दूसरे का नाम इशिम है। ओके, फिर ये जाकर आपके पास फ्लो कर देता है वो आर्कटिक ओशन में, इसका जो डिस्चार्ज हो जाता है। ओके, उसके बाद यनिसे सेकेंड रिवर है, लेंथ इसकी ये रही 4130 किलोमीटर, ड्रेनेज बेसिन 2.58 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, सोदन स्लोप ऑफ सियान माउंटेन से इसका ओरिजिनेट होता है। ठीक है, सियान माउंटेन्स के पास इसका जो ओरिजिनेशन होता है, ठीक,
और इसका जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पर भी आपके पास तुंगुस माउंटेन है, ठीक है, जहाँ पर इसकी ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज जो है वो माउंटेन से इसकी जो ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज है वो ये रिवर रिसीव करता है, जिसमें अपर तुंगुस, स्टोनी तुंगुस और लोअर तुंगुस की तीन हमारे पास इसकी जो ईस्टर्न साइड वाली ट्रिब्यूटरीज है जो कि इसको तुंगुस माउंटेन से इसको जो डिस्चार्ज होती है और यहाँ पर आकर रिवर येनिसे के साथ मिलती हैं। वेस्ट में कोई भी कंस्पिशियस ट्रिब्यूटरी नहीं है, ठीक है, स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज हैं, कोई भी लार्जर ट्रिब्यूटरीज की वेस्टर्न साइड पे नहीं है। येनिसे बेसिन जो है वो स्मॉलर है ओब के बेसिन से, ठीक है, वो गल्फ ऑफ येनिसे जाकर, येनिसे से जाकर ये रिवर जो है वो ओशन से, आर्कटिक ओशन से जाकर मिल जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे येनिसे ये रिवर है, ठीक है, ईस्टर्न साइड पर हमने क्या कहा है इसके कि ट्रिब्यूटरीज इसकी देखें आप, ईस्टर्न साइड पर जो है वो ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, ओके। उसके बाद इसके हमारे पास यहाँ से गल्फ ऑफ जो है येनी से यहाँ पर जाकर ये वाटर जो है वो इसका एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेक बेकाल से इसका सयान माउंटेन्स है, यहाँ पर लेक बेकाल से भी इसका सोर्स मानते हैं, लेकिन एज ए सब ट्रिब्यूटरी हमारे पास जाकर यहाँ से राइज होता है, ओके। उसके बाद लीना रिवर है, ठीक है, लीना रिवर की अगर हम लेंथ की बात करें, रिवर लीना की, तो वो यहाँ पर मैं लिखना जो है वो भूल गया हूँ, लेकिन लीना रिवर की जो लेंथ है वो है आपके पास 4294 किलोमीटर, ओके, 4294 किलोमीटर आपने लिखना है, 4294 किलोमीटर की जो लेंथ है। ड्रेनेज बेसिन भी 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये येनिसे के ईस्टर्न साइड पर लाई करता है, ठीक है, येनिसे के ईस्टर्न साइड पर लाई करता है रिवर लीना, ठीक, ये है रिवर लीना। रिवर लीना की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो ट्रिब्यूटरीज बनाता है, देखें आप, यहाँ से लीना रिवर गया, ये आपके पास बाकी इसकी ट्रिब्यूटरीज मरकियाना हो गया, त्यूंग हो गया, उसके बाद आपके पास बहुत सारी सब ट्रिब्यूटरीज जो हैं इसकी, और लास्ट में लीना डेल्टा की फॉर्मेशन भी करता है लीना रिवर, ठीक है। अब इसमें ट्रिब्यूटरीज ये अलग होते हैं, देखें इन दोनों के ईस्टर्न साइड पर था ना आपके पास तुंगुस माउंटेन जो येनिसे के, तो उसके बीच में और लीना के बीच में सिर्फ तुंगुस माउंटेन्स हैं, और इसकी ईस्टर्न साइड पर वर्खोयांस माउंटेन्स हैं और ओरुलगन माउंटेन्स हैं, ठीक है। इसकी ट्रिब्यूटरीज आप देखें तो रिवर अल्देन है इसकी ईस्टर्न ट्रिब्यूटरी और रिवर विल्यूई है इसकी वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज। इसके अलावा मेजर इंपॉर्टेंट रिवर्स जो हैं आर्कटिक ओशन ड्रेनेज के, वो है ईस्ट में आपके पास इंदिगिरी का, जिसको हम चेशोगोक माउंटेन्स के जो ओरिजिनेट होता है, ठीक है, फिर उसके वेस्टर्न साइड पे कोलियामा है जो कोलियामाशी के नाम से होता है, और बहुत सारे स्मॉल रिवर्स हैं जो आर्कटिक ओशन में कोस्ट से ही जाकर ओरिजिनेट होते हैं और वहीं पर जाकर ड्रेन कर देते हैं उसको, ठीक है। तो ये आर्कटिक ओशन ड्रेनेज वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हुआ। अगर कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कहाँ पे आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई।